आदरणीय अध्यक्ष जी, विपक्ष के प्रस्ताव पर यहां 3 दिनों से अलग अलग विषयों पर काफी चर्चा हुई है। अच्छा होता कि सत्र की शुरुआत के बाद से ही विपक्ष ने गंभीरता के साथ सदन की कार्यवाही में हिस्सा लिया होता। बीते दिनों इसी सदन ने और हमारे दोनों सदन ने जनविश्वास बिल, मेडिएशन बिल, डेंटल कमीशन बिल, आदिवासियों के लिए जुड़े हुए बिल, डिजिटल डाटा प्रोटेक्शन बिल, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल, कोस्टल एक्वाकल्चर से जुड़ा बिल, ऐसे कई महत्वपूर्ण बिल यहां पारित किए और ये ऐसे बिल थे जो हमारे फिशरमैन के हक के लिए थे और उसका सबसे ज्यादा लाभ केरल को होना था और केरल के सांसदों से ज्यादा अपेक्षा थी कि ऐसे बिल पर तो अच्छे ढंग से हिस्सा लेते, लेकिन राजनीति उन पर ऐसी हावी हो चुकी है, उनको फिशरमैन की चिंता नहीं है। यहां नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का बिल था, देश की युवा शक्ति के आशा आकांक्षाओं के लिए एक नई दिशा देने वाला बिल था, हिंदुस्तान को एक साइंस पावर के रूप में भारत कैसे उभरे वैसी एक दीर्घ दृष्टि के साथ सोचा गया था। उससे भी आपका इतराज, डिजिटल डाटा प्रोटेक्शन बिल, ये बिल अपने आप में देश के युवाओं के जज्बे में जिस बात आज प्रमुखता से है उससे जुड़ा हुआ था। आने वाला समय टेक्नोलॉजी ड्रिवन है, आज डाटा को एक प्रकार से सेकंड ऑयल के रूप में, सेकंड गोल्ड के रूप में माना जाता है, उस पर कितनी गंभीर चर्चा की जरूरत थी, लेकिन राजनीति आपके लिए प्राथमिकता थी। कई ऐसे बिल थे जो गांव के लिए, गरीब के लिए, दलित के लिए, पिछड़ों के लिए, आदिवासी के लिए, उनके कल्याण की चर्चा करने के लिए थे, उनके भविष्य के साथ जुड़े हुए थे, लेकिन इसमें इन्हें कोई रुचि नहीं है। देश की जनता ने जिस काम के लिए उनको यहां भेजा है उस जनता का भी विश्वासघात किया गया है। विपक्ष के कुछ दलों के लिए उनके आचरण से, उनके व्यवहार से उन्होंने सिद्ध कर दिया है कि देश से ज्यादा उनके लिए दल है, देश से बड़ा दल है, देश से पहले प्राथमिकता दल है। मैं समझता हूं आपको गरीब के भूख की चिंता नहीं है, सत्ता की भूख, यही आपके दिमाग पर सवार है। आपको देश के युवाओं के भविष्य की परवाह नहीं है, आपको अपने राजनीतिक भविष्य की चिंता है। और माननीय अध्यक्ष जी, आप जूटे एक दिन सदन चलने भी दिया, किस काम के लिए? आप जूटे तो अविश्वास प्रस्ताव पर जूटे और अपने कट्टर भ्रष्ट साथी, उनकी शर्त पर
मजबूर होकर के। और इस अविश्वास प्रस्ताव पर भी आपने कैसी चर्चा की? और तो मैं तो देख रहा हूं सोशल मीडिया में आपके दरबारी भी बहुत दुखी है, ये हाल है आपका। और अध्यक्ष जी देखिए, मजा इस डिबेट का कि फील्डिंग विपक्ष ने ऑर्गेनाइज की लेकिन चौके छक्के यहीं से लगे। और विपक्ष नो कॉन्फिडेंस मोशन पे नो बॉल नो बल पर ही करता आगे चलता जा रहा है। इधर से सेंचुरी हो रही है, उधर से नो बॉल हो रहे हैं। अध्यक्ष जी, मैं हमारे विपक्ष के साथियों से यही कहूंगा, आप तैयारी करके क्यों नहीं आते जी? थोड़ी मेहनत कीजिए। और मैं 5 साल दिया आपको मेहनत करने के लिए, 18 में कहा था कि 23 में आप आना, जरूर आना। 5 साल भी नहीं कर पाए आप, क्या हाल है आप लोगों का, क्या दारिद्र है। आदरणीय अध्यक्ष जी, विपक्ष के हमारे साथियों को दिखास की छपास की बहुत इच्छा रहती हो, पर स्वाभाविक है। लेकिन आप ये मत भूलिए कि देश भी आपको देख रहा है, आपके एक एक शब्द को देश गौर से सुन रहा है। लेकिन हर बार देश को आपने निराशा के सिवाय कुछ नहीं दिया है। और विपक्ष के रवैये पर भी मैं कहूंगा, जिनके खुद के बही खाते बिगड़े हुए हैं, जिनके बही खाते खुद के बिगड़े हुए हैं, वो भी हमसे हमारा हिसाब लिए फिरते हैं।